गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 11, लेट्स ट्रेवल. कि बेटा सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सोनाली वर्क्स इन गुड़गांव. सोनाली गुड़गांव में वर्क करती है. सी इज गेटिंग मैरिड इन मेरठ. उसकी मैरिज मेरठ में हुई है. हर सिस्टर नेहा एंड हस्बैंड आर कमिंग फ्रॉम दुबई. उसके सिस्टर नेहा और उसके हस्बैंड दुबई से आ रहे हैं बाई एन एरोप्लेन. एक एरोप्लेन से. हर अंकल्स फैमिली इज कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद बाई ट्रेन. उसके अंकल की फैमिली अहमदाबाद से ट्रेन से आ रही है. हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय कार. उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं दिल्ली से कार से आ रहे हैं. हर फ्रेंड्स हैव हायर्ड अ टैक्सी टू टेक देम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ. उनके फ्रेंड्स ने एक टैक्सी को हायर किया है उन्हें दिल्ली से मेरठ लाने के लिए. टू अटेंड द वेडिंग. वेडिंग को अटेंड करने के लिए. हर रिलेटिव्स हु लिव क्लोज बाई. उसके रिलेटिव जो कि पास में ही रहते हैं वुड बी कमिंग बाई ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं. साइकिल से और रिक्शा से. बस स्कूटर मोटरसाइकिल कार और टैक्सी से आ रहे हैं. पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग. पीपल ट्रेवलिंग के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. द सलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. इन व्हीकल का जो सलेक्शन है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है और मनी पर डिपेंड करता है. दे वांट टू स्पेंड ऑन ट्रेवल. कि वो ट्रेवल पर कितना खर्च करना चाहते हैं. इफ़ वी वांट टू रीच अ फार ऑफ प्लेस. यदि हम किसी दूर प्लेस पर जाना चाहें वेरी क्विकली बहुत जल्दी से. एयर ट्रेवल विल बी द चॉइस. तो हमारे पास एयर ट्रेवल सबसे अच्छी चॉइस होगी. बट ट्रेन ट्रेवल गिव्स अ बेटर चांस. लेकिन ट्रेन ट्रेवल जो है वो भी एक अच्छा चांस देती है. टू व्यू द सीनरी. सीनरी देखने के लिए. एज द ट्रेन पासिस थ्रू डिफरेंट प्लेसेस. जैसे ही ट्रेन जो है डिफरेंट प्लेसेस से होकर गुजरती है. मोर ओवर इसके अतिरिक्त रेलवे आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग. रेलवेज ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी आइडियल है. हैवी गुड्स. हैवी गुड्स के लिए. एंड आर इकोनॉमिकल. और इकोनॉमिकल भी है. रोड ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल रिक्शा कार बस एट्सेट्रा इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ट्रेवलिंग. रोड ट्रांसपोर्ट जिसमें कि साइकिल रिक्शा कार बस ये सब जो है ट्रेवलिंग के लिए बेस्ट चॉइसेस हैं. शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए. इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस. ये डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. इफ़ यू स्टैंड ऑन द मेन रोड इन अ स्मॉल टाउन इन द मॉर्निंग. यदि आप किसी स्मॉल टाउन में मेन रोड पर खड़े होते हैं मॉर्निंग में. यू वुड सी हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स लेबरर्स राइडिंग ऑन बाइसिकल्स. तो आप हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को बाइसिकल्स पर राइडिंग करते हुए देख सकते हैं. टू गो टू देयर वर्क. वो अपने वर्क प्लेसेस पर जा रहे होते हैं. अ सिमिलर सीन कैन बी सीन इन द इवनिंग. ऐसा ही सिमिलर सीन इवनिंग में भी देखने को मिल सकता है. व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर वर्क. जब वो अपने वर्क से वापस आते हैं. सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट used in rural areas differ from those used in urban areas. Rural areas में जो means of transport use होते हैं वो urban areas से अलग होते हैं. Let's know more about it. आओ हम इसके बारे में और ज़्यादा जानें. Rural transportation. Farming is the main occupation in most rural areas. Farming जो है वो main occupation होता है rural areas में. Vegetables and fruits are perishable items. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं ऐसे आइटम होते हैं जो कि जल्दी ही क्या हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, है ना, ख़राब हो जाते हैं. दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस. उनको डेली बेसिस पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. टू नियर बाई सिटीज़. नियर बाई सिटीज़ में एंड टाउन्स में. इन ब्लॉक कार्ट्स बैलगाड़ी में. ट्रैक्टर ट्रॉलीज में और ट्रक्स में. सिमिलरली आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ वीट एंड राइस. जब राइस और वीट की जो फसल है वो कट जाती है. ट्रक्स लेडन विद गनी बैग्स. तो गनी बैग्स में जो ट्रक्स हैं उनको भर दिया जाता है. मेक देयर वे ऑन द रूरल रोड्स. और वो रूरल रोड्स पर कहाँ जाते हैं, नियर बाई टाउन्स और सिटीज़ में जाते हैं. द गुड्स कैरीड बाई डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये गुड्स डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा ले जाया जाता है. गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन. ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया. कि उन एरियाज में कैसी क्रॉप उगाई जाती है. द ब्लॉक कार्ट्स ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स लोडेड विद एग्रीकल्चर गुड्स गो फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज. ब्लॉक कार्ट्स ट्रैक्टर ट्रॉलीज ट्रक्स
जो कि एग्रीकल्चर गुड से भरे हुए होते हैं वो विलेज से सिटीज में जाते हैं, व्हेन दे गो बैक टू द विलेज, जब वो वापस विलेज में जाते हैं सिटीज से, दे आर लेडन विद गैस सिलेंडर्स, तो वो गैस सिलेंडर से लदे हुए होते हैं, लाइट मशीनरी से लदे हुए होते हैं, टेक्सटाइल्स, स्कूटर, ऑल ऑफ देम आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये सब सामान फैक्ट्रीज में बनता है इन टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स और सिटीज में। इन कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के किनारे के एरियाज हैं, द फिशरमैन यूज बोट्स टू ट्रांसपोर्ट फिश, फिशरमैन बोट्स का यूज़ करते हैं फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड अदर सी फूड आइटम्स, और दूसरे सी फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। समटाइम्स कभी कभी स्टीमर्स एंड फेरीज एक्विपिड विद कोल्ड स्टोरेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फिश, कभी कभी स्टीमर्स और फेरीज जो कि कोल्ड स्टोरेज से एक्विपिड होती हैं, उनको क्या किया जाता है, फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ऑन द हिली एरियाज, इसी तरह हिली एरियाज पर म्यूल्स यानी खच्चर आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, गुड्स अलोंग विद पिट्ठूज, ठीक है। एनिमल इन ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल रूरल ट्रांसपोर्टेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अ ब्लॉक कार्ट और अ हॉर्स कार्ट, एक ब्लॉक कार्ट और एक घोड़ा गाड़ी कैन गो अप टू द फार्म, ये फार्म तक जा सकती हैं। दिस हेल्प्स द फार्मर टू लोड द वेजिटेबल्स, ये फार्मर को हेल्प करती हैं वेजिटेबल लोड करने में और फ्रूट्स को लोड करने में ईजिली। फॉर गो अप टू द फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन, क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलोक हैज़ बीन अ फार्मर्स फ्रेंड, बुलोक फार्मर्स का फ्रेंड है सिंस ओल्डन टाइम्स, ओल्डन टाइम से ही। द फार्मर हैज़ यूज्ड इट टू पुल वाटर, फार्मर इसका पानी खींचने के लिए यूज करता है, फ्रॉम द वेल से, प्लाउ द फील्ड्स को जोतने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए, द गुड्स टू द मार्केट, मार्केट में गुड्स ले जाने के लिए। मोस्ट फार्मर्स टेक गुड केयर ऑफ देयर एनिमल्स, बहुत से फार्मर्स अपने एनिमल्स की अच्छी केयर करते हैं। द कैमल कार्ट्स आर अ कॉमन साइट ऑन द रोड्स ऑफ बीकानेर एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान, कैमल कार्ट्स एक कॉमन साइट है राजस्थान में बीकानेर और दूसरे स्थानों की सड़कों पर देखने के लिए। अ कार्ट इज लोडेड विद सैक्स, एक कार्ट भूसे से लदी हुई होती है, ऑफ रेड चिलीज, मिर्च से लदी हुई होती है, और अदर आइटम्स और दूसरे आइटम से लदी हुई होती है। द कैमल इज ब्यूटीफुली डेक्ड अप विद टैसल्स एंड बेल्स, कैमल को बहुत अच्छी तरह सजाया जाता है बैल से और टैसल से। द ओनर एड्रेसेस द कैमल एज हिज सन, ओनर्स कैमल को अपने सन की तरह एड्रेस करते हैं, एंड पैट्स हिम अफेक्शनेटली, और उसकी कमर को बड़े प्यार से थपथपाते हैं। ठीक है बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।